सिंगरौली जिले के मोरवा पुरानी सब्जी मंडी में संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। पंडित विनोद मिश्रा के श्री मुख से राम कथा कही जा रही थी। राम कथा प्रतिदिन शाम 6 बजे से 9:30 बजे तक किया जाता है, जिसमें पूरा पांडाल राम भक्तों से खचाखच भरा रहता है। सभी लोग विनोद मिश्रा जी के श्री मुख से कहे जा रहे श्री राम कथा का भरपूर आनंद लेते, नाचते गाते राम कथा में लीन नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि विनोद मिश्रा जी के मुख से जो राम कथा की गंगा बहती है, उसका आनंद ही कुछ और मिलता है। श्री राम कथा आयोजन समिति द्वारा काफी बेहतरीन पांडाल एवं बैठने की व्यवस्था भी की गई है। भोजन कर रहे हैं, भोजन भंडारा बन रहा है, बोले हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे, बोले देख नहीं रहे, वो राम जी खड़े हैं, वो लक्ष्मण जी हैं, वो भरत जी हैं, वो शत्रुघ्न जी हैं, वो हनुमान जी हैं, वो जानकी जी हैं, सब लोग देख नहीं रहे, भोजन भंडारा बन रहा है, सब लोग पा रहे हैं और गुरु जी को दिखाई नहीं दे। कहा अरे भगवान, अरे ठाकुर जी, हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? गुरु जी कहेंगे ये सब अकेले खाता है, इनको भी दिखाई दीजिए ना। ठाकुर जी ने कहा नहीं जानते हो, इनका मन उतना निर्मल नहीं है जितना तुम्हारा है। भाव था जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जब तक अहंकार नहीं समाप्त होगा, तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है।